हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग लाइट का सेकंड पार्ट जो है न्यूमेरिकल वो चालू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने कॉनकेव मिरर के न्यूमेरिकल करवाए थे, अभी इस बार भी हम कॉनकेव मिरर के न्यूमेरिकल से ही चालू करते हैं। दो न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट में खास करके प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों को कि उनके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसकी जो लैंग्वेज होती है उसको ठीक से समझते नहीं है। लैंग्वेज में एक आध वर्ड को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं या उसको कुछ अज्यूम कर लेते हैं और उसके बाद फिर कैलकुलेशंस करते हैं तो उसमें आंसर उनका रॉन्ग आ जाता है, उनको पता भी नहीं चलता है। ये मैं दिखाऊंगा कैसे बच्चे करते हैं। और दूसरा ये कि लैंग्वेज क्वेश्चन भी जब कभी कभी आते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन वो सॉल्यूशन उसका बड़ा सिंपल रहता है। तो आप क्या किया करो, कभी भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसके जो वर्ड्स होते हैं लैंग्वेज उसका, खास करके लाइट के न्यूमेरिकल्स में बहुत अच्छे से समझ लिया करो कि क्या क्या वर्ड यूज किया है, क्योंकि हर एक वर्ड का उसमें एक मीनिंग रहेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाई ए मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफिकेशन -1। अब ये पहले लाइन में ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रियल है इन्वर्टेड है, ठीक है, मतलब इमेज जो है वर्चुअल नहीं है, इमेज जो है रियल है और मैग्निफिकेशन 1 है। 1 मतलब कि मानो मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, एम इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, है ना। तो हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर में बन रहा है और ऑब्जेक्ट भी वहीं पर है। और क्या है उसमें, इफ द इमेज इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो इमेज की डिस्टेंस अगर 40 दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी 40 ही होगा क्योंकि एम जो है 1 है। तो ये अगर ऐसा क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्टिव 1 मार्क में आ गया है ना, तो उसमें क्या तुरंत आप बिना कुछ कैलकुलेशन किए आप ऐसे बना सकते हो मैग्निफिकेशन को देख करके। वेयर वुड द इमेज बी फॉर्म इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। अब ये भी देख लो, आप बिना कुछ कैलकुलेशन किए आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 20 सेंटीमीटर आगे लेके जा रहा है, अभी तुम देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, 40 सेंटीमीटर में है नहीं, 20 सेंटीमीटर इसको जो है आगे लेके जा रहा है। तो क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, ये जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ये 40 सेंटीमीटर जो है अगर वहां पे इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम है मतलब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मतलब क्या होगा कि 20 सेंटीमीटर आगे लेके गया ऑब्जेक्ट को तो ये इसका आधा डिस्टेंस कवर कर रहा है, और आधे डिस्टेंस कवर करने से क्या आता है, फोकल लेंथ आ जाती है, फोकस आ जाता है, तो फोकस में आ गया ये, है कि नहीं। तो वेयर वुड द इमेज बी फॉर्म्ड इफ द ऑब्जेक्ट इज मोर 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस में आ गया, तो फोकस में ऑब्जेक्ट आने से इमेज कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी में चला जाएगा। सो अब उसका रे डायग्राम बनाना है और उसका रीजन बताना है। तो ये दिखने को ये क्वेश्चन इतना बड़ा है मगर आप इसको देखोगे तो आप वर्ड्स का मीनिंग समझ करके आप ओरली इसको सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में आए चाहे ये आपको सॉल्व करने को आ जाए, है ना, आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा, उसका सिर्फ आपको लिखने के भर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं एम इज इक्वल टू -V/U करते हैं, -1 रखेंगे, -40 रखेंगे, यहाँ पे यू रहेगा, तो U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और -40 सेंटीमीटर U आ जाएगा। तो U जो है सेम आ गया, -40 सेंटीमीटर U आ गया। तो आप बोलोगे कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट -40 सेंटीमीटर। फिर सेकेंड पार्ट में क्या आ गया, वेयर वुड द इमेज बी इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, वेयर वुड। तो यहां पर जो है आप बोलोगे सी इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर होता है, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी -20 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो 1/मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/V+1+U, और ये एफ की और यहाँ पे जो है क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, तो नया यू क्या आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर हो जाएगा,
एफ जो है वो भी जो है -20 सेंटीमीटर है, तो आप उसमें रखोगे -20 1/V, -20 1/V इज इक्वल टू, ये 20 इधर आ जाएगा, तो ये 1/V इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/0 आ जाएगा, 1/V इज इक्वल टू 0 है, तो V इज इक्वल टू 1/0, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो इमेज का हम बना इन्फिनिटी में बन गया। ठीक, नाउ हमको बताना है कि स्टेट द रीजन एंड ऑल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द न्यू पोजिशन। तो रीजन बताना है आपको क्या करना है। रीजन में लिखेंगे इन न्यू पोजिशन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, सो इमेज विल बी एट इंफिनिटी। ये आपका रीजन हो गया। अब इसका जो है डायग्राम बनाना है नए वाले सिचुएशन का, तो नए वाले सिचुएशन में रे डायग्राम कैसे रहता है, उसका तो सिंपल रहता है ना बड़ा। इसका दूसरा तरीका जो है वो ये हो जाएगा, ये भी एफ से जाएगा और ये यहाँ से ये जाएगा और ये भी इन्फिनिटी में चला गया। है ना, ये भी एक डायग्राम है जो आप बना सकते हैं इसमें। हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑन ए स्क्रीन इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हाउ फार इज स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं आपको जो है सलाह दूंगा कि आप वीडियो को पॉज कर लें, क्वेश्चन को कॉपी में लिख लें और एक बार खुद से सॉल्व करें। मेरा पार्ट 1 वीडियो भी आपने देखा है और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी आपने देखा है, तो अब इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें, उसके बाद फिर सॉल्यूशन को देखना, ठीक है? तो एक अच्छा चीज़ आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ करके। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है सीधी सॉल्यूशन क्या हुआ है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑन ए स्क्रीन बना रहा है ना? तो आप क्या लिखोगे, एम इज इक्वल टू 3 लिखोगे। फॉर्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल टू HI/HO इज इक्वल टू -V/U ऑन ए स्क्रीन इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो यू की वैल्यू दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर, हाउ फार इज स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो ये एम इज इक्वल टू दिस, तो यहां से आप क्या करोगे, वी इज इक्वल टू 3 × -U, 3 × -+20 हो जाएगा, डेट इज 60। तो ये आपको मिला V की वैल्यू, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे, V की वैल्यू इतनी आ गई। अब पूछ रहा ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर मेरा, हाउ फार इज स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्क्रीन मतलब जहां पे इमेज बन रही है और ऑब्जेक्ट जो है वो यू दिया हुआ है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो आप क्या करोगे, 60 - 20 करोगे, 40 कर दोगे, है ना? तो ये आप अगर किसी बच्चे ने ऐसा सॉल्व किया है तो मैं ये बता दूं कि वो जो है ये पूरी तरह से रॉन्ग है, ये पूरी तरह से रॉन्ग है। सबसे पहले तो ये अगर आपने ऐसे ये +3 लिया तो यही रॉन्ग हो गया, ये पूरा का पूरा जो है रॉन्ग हो गया। तो गलती ये होती है, हम लोग जो है क्वेश्चन के जो वर्ड्स उसको ठीक से समझते नहीं है। देखो फिर से पढ़ते हैं, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑन ए स्क्रीन। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज है, ठीक है, मैग्नीफाइड मैग्नीफिकेशन जो है यहाँ पे दो ऑप्शन में लिखता हूँ, मैग्नीफिकेशन +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, ठीक है? इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर ऑन दी इन इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर, हाउ फार इज स्क्रीन फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे स्क्रीन वर्ड को दो बार यूज किया, ये है और ये,
इमेज स्क्रीन में आ रहा है, मतलब कि इमेज जो है वो इमेज फाउंड इन स्क्रीन मींस इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज अगर स्क्रीन में फॉर्म हो रही तो इमेज क्या है, रियल है और इन्वर्टेड है। अगर ये ऐसा है देयरफॉर एम इज इक्वल टू -3, तो +3 नहीं होगा -3 होगा। तो ये तो आपको सबसे पहले करना है। ये अगर वो नहीं होता वर्चुअल या इरेक्ट होता तो एम जो है वो +3 हो जाता। तो ये जो है आपका, ये एक सिंपल मिस्टेक है जो कोई भी बच्चा कर सकता है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि केयरफुल रहना है क्वेश्चन को पढ़ने के टाइम। इसके हिसाब से जो है यू जो है वो हो जाएगा -20, तो एम इज इक्वल टू -V अपॉन यू। यहाँ पर -3 आ जाएगा, -V और यू की वैल्यू -20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर। तो इमेज की वैल्यू कितनी आ गई, -60 सेंटीमीटर। अब हाउ फार इज द स्क्रीन, अब इसका हम वो डायग्राम बना लेते हैं। ये बेसिकली ऐसा हो रहा है, ये एफ है यहाँ पर, तो ये सी हो गया, और यू जो है -20 है, मतलब वो सी और एफ के बीच में है। देखो एफ में या एफ के आगे रहते हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे फोकस नहीं दिया हुआ है ना। फोकस जो है दिया हुआ नहीं है। अब आपको समझना है कि वी की वैल्यू निगेटिव है, मतलब इमेज इन्वर्टेड है, रियल है, ऑब्जेक्ट भी जो है निगेटिव है, वो इस तरफ में है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, जब ऑब्जेक्ट जब बिटवीन सी एंड एफ होता है, इमेज बनता है बियॉन्ड सी और मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होता है। हमको यहाँ पर मैग्निफिकेशन से आइडेंटिफाई करना है कि एम जब हमारा 1 से ज़्यादा 3 है, तो ये वाला हो गया मैग्निफाइड है, ये जाएगा ऐसे करके, ये फोकस है, ये अपना इमेज बना है ना। तो ये वाली जो डिस्टेंस है कौन सी, ये वाली, ये है -60 सेंटीमीटर, और ये जो है ये है -20 सेंटीमीटर। तो हमको वो पूछ रहा है वो ये वाला डिस्टेंस कितना है, हाउ फार इज दी स्क्रीन फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट। तो ये वाला डिस्टेंस बताना है कि हाउ फार इज द स्क्रीन फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट। तो उस पर आप क्या करोगे, वी माइनस यू करोगे, -60 माइनस -20, दैट इज ये जो प्लस हो जाएगा -60 प्लस 20, दैट इज -40। स्क्रीन ये है स्क्रीन, जो एक्चुअल में ये चीज है स्क्रीन ये है, और ये जो डिस्टेंस है ये है -40, यहां से लेके यहां तक। हम यहां से ऐसे मेजर करते पाएंगे, स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज -40 सेंटीमीटर, और ये इसका जो है एक्चुअल में आंसर है। अब ये वाला अगर +3 अगर रहता तो हम इसको कैसे करते, सपोज ये हमारा जो है
अब ये वाली सिचुएशन में देखो आप कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस के इधर रहता है, फोकस और पोल के बीच में रहता है, तो इमेज कहाँ बन रही है? स्क्रीन के मिरर के पीछे बन रही है। तो इमेज हमारी क्या हो गई? वर्चुअल हो गई और इरेक्ट हो गई। अब यहाँ पर ये 20 हो सकता है, ये 60 भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे इमेज बड़ा है, एनलार्ज है, तो उसका मैग्निफिकेशन +3 हो गया। इस केस में जो है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन +3 हो सकता है ना? यू भी जो है -20 हो सकता है, और वी जो है वो +60 भी हो सकता है। ये तीनों जो है सिचुएशन हो सकती है, बट ओनली बिकॉज यहाँ पर जो है स्क्रीन पर जो दिया हुआ है कि इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, तो ये जो है ये स्क्रीन में नहीं फॉर्म होती, ये है वर्चुअल इमेज, ये है वर्चुअल इमेज, और ये है रियल इमेज ऑन स्क्रीन। यहाँ पर अगर हम एक कोई पेपर रख दें, व्हाइट पेपर रख दें, तो हमको इसमें स्क्रीन मिल जाएगी। तो ये जो है स्क्रीन में फॉर्म हो रहा है, ये स्क्रीन में फॉर्म नहीं हो रहा है, इसीलिए जो है हम इसको जो है इस तरीके से बनाएंगे। एम को -3 लेना पड़ेगा हमको, सिर्फ उसी कारण। अगर नहीं तो हम इसको जो है ऐसे भी कर सकते हैं, तो कोई जो है दिक्कत नहीं है, बट वो क्वेश्चन में वैसा नहीं दिया हुआ है। यही आपको आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन में, और उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है, और ये गलती अगर ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पर जो है एक चीज और है कि एम इज इक्वल टू जैसे एच आई बाई एच ओ होता है, तो यहाँ पे एच आई जो है ये भी पॉजिटिव है, ये एच ओ ये भी पॉजिटिव है, तो ये 3 हो सकता है। यहाँ पर जो है इस केस में एम जो है वो ये इन्वर्टेड है, तो ये एच आई जो है निगेटिव है, और एच ओ जो है वो पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पे -3 हो रहा है। तो ये भी एक जो है आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, इजी है एकदम, इसको आप थोड़ा रीड करो। फोकस निकालना है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का, बोथ हैविंग द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो इसमें कुछ है नहीं, आप इसको जो है इजीली जो है कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f होता है, तो आप लिखोगे कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर, है ना, क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो 40 इज इक्वल टू 2f, तो f इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, क्योंकि कॉनकेव है तो -20 आ जाएगा, या इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम इधर लेते हैं ना, तो ये -40 कर देते, यहां से आपको -20 आ जाएगा। और फॉर कॉन्वेक्स मिरर जो है वो आर इज इक्वल टू 2f, आर इस तरफ जाएगा, तो +40 इज इक्वल टू 2f, तो f इज इक्वल टू +20 सेंटीमीटर। बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है, मगर थोड़ा सा जो है पहली बार पढ़ने से अजीब सा लगता है, टिपिकल लगता है। स्टूडेंट्स, ये एक कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्ट जो है 8 सेंटीमीटर इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ, इफ द फोकल लेंथ इज 24, फाइंड द नेचर साइज एंड पोजिशन ऑफ द इमेज। तो गिवन में क्या क्या है? हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया, फोकस यहाँ पर जो है 24 दिया हुआ है, फोकस हम लोग क्या करेंगे? प्लस लेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस इस साइड जाएगा, ठीक है। तो ये एक आपको ध्यान रखना है, और फिर कैलकुलेशन जो है वही मिरर फार्मूला से करेंगे हम लोग। 1/f इज इक्वल टू 1/v +1/u, और यहाँ पे 1/24 जाएगा प्लस, और v का जो आ जाएगा 1/v +1/-12, ये इसको इस तरफ ले लेंगे, 1/v इज इक्वल टू 24 +1/12, ये आ जाएगा 24, ये 1 + 2, दैट इज v इज इक्वल टू 24/3, दैट इज 8 सेंटीमीटर। v की जो इमेज की वैल्यू क्या आ रही है? 8 सेंटीमीटर आ रहा है ना? तो ये कहां पर जाएगा? इमेज इज फॉर्म ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर,
इमेज इज फॉर्म्ड ऑन दी अदर साइड ऑफ मिरर। तो यहां पर क्या था, ऑब्जेक्ट है। अगर ये जो है इसको एफ ले लेते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या है, यहां पर है ना, ये 24 है तो ऑब्जेक्ट क्या है, 12 में है। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसका भी एफ थोड़ा सा इधर हट जाएगा, ये एफ हो गया। तो इस तरीके से आपका जो है इमेज बनेगा, ठीक है। और इमेज का जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है, तो अब फोकस तो ये 24 है तो इमेज जो है वो 8 सेंटीमीटर में आएगा, यहाँ पर आएगा, थोड़ा फोकस और पोल के बीच में आएगा इमेज। ये डायग्राम में, कॉन्वेक्स मिरर के डायग्राम में क्या हुआ, ये जैसे पैरेलल रे गई फिर ये फोकस से पास होगी, जो पैरेलल रे जो होगी यहाँ पे फिर उसके बाद ये फोकस से पास हो जाएगी, और दूसरी जो रे है वो ऑब्जेक्ट का जो टिप हो गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो पॉइंट को मिला करके सीधा सीधा ड्रॉ कर देना, उन दोनों का जो क्रॉस सेक्शन आएगा यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है वो वाला पॉइंट जो है आपका इमेज का पॉइंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर एम की वैल्यू जो निकालना है, एम इजिकल टू एच आई बाई एच ओ, इजिकल टू माइनस ओ वी बाई यू। तो हम यहाँ पर एच आई कितना निकालेंगे, हाइट, तो एच ओ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, वी आ जाएगा प्लस 8 और यू आ जाएगा -12, तो 8 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 64/12 आ जाएगा, तो 5.5, 12 5 60 और 40 में 3 टाइम्स आएगा, तो 5.33 सेंटीमीटर जो है इसकी हाइट आ जाएगी। तो ये देखो हाइट जो है 8 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की है, इमेज की हाइट जो है 5.33, तो ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी छोटी है, तो इमेज का नेचर कैसा हो गया, नेचर साइज एंड पोजिशन हो गया। तो पोजिशन तो आपने बता दिया, साइज भी निकाल दिया, नेचर क्या है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और क्या है, मैग्निफिकेशन कम हो गया, तो डिमिनिश है। नेचर क्या है, इरेक्ट है, डिमिनिश है, ये आपका जो है नेचर हो गया, थर्ड पार्ट ऑफ द आंसर नेचर हो गया, ये साइज हो गया और ये आपका पोजीशन हो गया। ये भी एक कॉन्वेक्स मिरर का अच्छा न्यूमेरिकल है, टिपिकल है थोड़ा सा, मतलब इसी टाइप का आएगा, इससे ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं होगा, और इसको आप अच्छे से समझ के कर लो।